यदि आपको गोपालन सीखना है तो कहीं और क्यों जाना। हमारी वैदिक गोपालन विद्या ऐप को डाउनलोड करें और गोपालन सीखें। जय गौ माता, भारत माता की जय। आइए हम देखते हैं आत्मनिर्भर भारत की ओर पहला कदम कौन उठाएगा, तो उसमें गाय और किसान, कृषि और गोपालक का क्या रोल होगा। दोस्तों, ये जो हम लोग ये बना रहे हैं दिया, मूर्ति, लाभ सूप, तोरण, बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं और आगे भी हमारी प्लानिंग है कि सभी प्रकार के आसन, टोपी, रेडिएशन मुक्त टोपी, ये सब चीज़ें बनाने का। और इससे क्या लाभ होगा वो तो विस्तार से समझेंगे। तो ये गोबर की प्रोडक्ट जहाँ पे रहेगी वो एरिया, उसका कुछ मीटर का एरिया रेडिएशन मुक्त रहेगा और उससे जो नकारात्मक शक्ति है वो अपने आप नष्ट हो जाएगी और सकारात्मक शक्ति का प्रभाव बढ़ेगा। तो जैसे आजकल हम फर्नीचर और ये प्लास्टिक, फाइबर, बहुत सारी एक्रिलिक चीज़ें यूज करते हैं, उसमें बहुत सारे जानवरों के मांस, चर्बी भी यूज होता है। पूरा डिटेल में बताना संभव नहीं है, परंतु ये सब होता है। और उसके सामने आप मतलब गोबर की चीज़ यदि अपने बैठने, ऑफिस में बैठने की चेयर है वहाँ पे आपके पैर रहते हैं, उसके नीचे गोबर का आसन रखेंगे तो आपका बहुत सारी समस्याएं दूर होगी। पहले हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो है गाय के गोबर के लिपा हुआ घर है उसी में ही रहते थे। तो एक कहने का यहाँ मतलब मेरा ये है कि इससे दो लाभ होंगे। एक तो जहाँ पे ये चीज़ रहेगी वो जगह हमेशा क्लीन रहेगी और जहाँ पे ये बन रहा है वहाँ पे इतने लोगों को रोजगारी मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते। जैसे कि आज हम अपनी गौशाला में 50 लोगों, 40 तो आईटी के लोग हैं, 50 लोगों को रोजगारी दे रहे हैं और उससे हमारी गोपालन गतिविधि मजबूत हो रही है, गोपालन प्रक्रिया मजबूत हो रही है। तो इससे एक इकोनॉमिकल भी है और इसको अभी हम फॉरेन तक भेज रहे हैं, गोबर के उपले बना के अमेरिका, इटली, जर्मन, स्पेनिश, उस सब जगह पे भेज रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो इनकम है वो डॉलर में हो रही है, तो वो भी एक इकोनॉमी भी सुधरेगी, भारत का GDP ग्रोथ बढ़ेगा, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इस प्रकार से यदि छोटे छोटे, जैसे हम कहते हैं ना कि बूंद बूंद बन के तालाब भरता है, इस प्रकार से भारत का हर किसान, हर युवा इस चीज़ में लगेगा तो थोड़ा 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 हर महीने 2000 हज़ार डॉलर का, 500 डॉलर का एक्सपोर्ट सब करेंगे, पर ऐसे 30 करोड़ लोग खड़े हो जाएंगे तो कितनी बड़ी इनकम हो जाएगी हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, यदि किसी को सीखना है तो हम यहाँ ट्रेनिंग भी देते हैं और प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके आप प्रोडक्ट भी खरीद सकते हो। और आप कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम ऐसे अपने आसपास के गोपालक की ऐसी प्रोडक्ट खरीद के भी उसको मजबूत कर सकते हैं। भारत माता की जय। ये सीधा गोबर है गाय का। ये 3.5 किलो गोबर है। ये 3.5 किलो गोबर में ये 250 ग्राम मैदा लकड़ी है, लेकिन इसमें डालेंगे 150 ग्राम ही। ये गोबर का पाउडर है। गोबर का पाउडर है।
इसको जो है बढ़िया से रगड़ना है। काफी लोग जो दिए बनाते हैं वो ओनली गोबर के पाउडर से बनाते हैं दिए और मूर्तियाँ, परंतु इसमें वो समस्या मतलब वो कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, क्योंकि गोबर का सूखा कर पाउडर बनाने में वो हमें घर में पड़ता है 30 रुपया किलो, 30 से 35 रुपया किलो, क्योंकि उसमें गोबर को सुखाने में मेन पावर बहुत लगता है। उसके बाद उसको पाउडर करने में बिजली भी लगती है और समय बहुत लगता है। तो हम लोगों ने वो सोच के प्लान किया कि इसमें उसमें फिर पानी डालना पड़ता है, तो इसमें ये हो जाएगा कि जो पानी डालना है आपको वो सीधा गोबर से ही आ जाएगा। जितना इसको रगड़ोगे उतना प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। हल्का सा तेल लगाना है, बिल्कुल नॉर्मल, ज्यादा तेल नहीं लगाना है। गोबर लेने में ये ध्यान रखना है कि इसमें कंकर मिट्टी ऐसा कुछ ना आ जाए। आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया बन गया है। तो ये प्योर पाउडर की ज़रूरत नहीं है इसमें, आप गोबर में पाउडर हम लोग इसीलिए मिलाते हैं कि गोबर को टाइट करने की ज़रूरत है। गोबर में नमी ज़्यादा है, जितनी नमी हमें चाहिए नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे बना सकते हो, और हमें इसमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कम से कम खर्चे में क्या चीज़ बने, क्योंकि जितना कॉस्टिंग डाउन आएगा उतना हमारे लिए फायदेमंद है। ये शुभ लाभ का ढांचा है, और इसमें हमने तेल मिला दिया है, हल्का सा तेल लगाया है कपड़े से।
इस प्रकार से अच्छे से दबा के ऐसे ताज़ा ताज़ा ठीक करेंगे तो भी चलेगा और सूख जाने के बाद करेंगे तो भी चलेगा। पकड़ मजबूत करने के लिए आप बांस की सली भी रख सकते हो, हल्की सी एक दो पीछे से, ताकि वो लोहे की तरह आरसीसी का काम करे।
प्रकार से पीछे यदि ज़्यादा माल है तो उसको निकाल के लेवल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो है ना निकलने में बहुत दिक्कत करता है। और जो ओरिजिनल शेप में आना चाहिए वो शेप में नहीं आएगा। अब इसको जो है थोड़ा ऐसे कर देना, लेकिन ये तो आप सूखने के बाद भी कर सकते हैं। और जितना टाइट माल रखोगे उतना सूखेगा जल्दी ये। हाँ, आप कलर वाला भी कर सकते हो, बिना कलर का भी कर सकते हो। हम गौशाला को ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर और मजबूत बना सके, ऐसे बहुत सारे हमारे पास लगभग 250 के करीब मोल्ड है। अभी हम लोगों ने अभी ही काम चालू किया है, लेकिन अभी इसमें बड़े लेवल पे काम करने जा रहे हैं। हम इसकी मूर्तियां बना के हम फॉरेन में भी भेजते हैं, 123 देश के परमिशन है हमारे पास, तो कहीं पर भी भेज सकते हैं इसको। और कंप्यूटर के काम करने के लिए जो आते हैं, रोज़ सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं, वो बहने भी जब कंप्यूटर से थोड़े वो हो जाते हैं ट्रेस्ट माइंड, तो आके गोबर के मोल्ड लेके गोबर की प्रोडक्ट बनाने लग जाते हैं, और उससे उसका मन फ्रेश हो जाता है और थोड़ा काम भी बदल जाता है, तो कंप्यूटर की थकान, कंप्यूटर का टेंशन भी निकल जाता है। और यहाँ वो उसका थोड़ा मतलब जैसे फ्रेश हो गया कंप्यूटर का, तो आधा घंटा या 20 मिनट या 1 घंटा ऐसे आ जाते हैं, तो उससे उसका एक काम बदल जाता है और उसको बहुत अच्छा लगता है। क्यों लागे इस बेन तुमने? ज़्यादा मज़ा आता है ये काम करने में। तो इस प्रकार से सभी का, सहकर्मियों का बहुत सहयोग रहता है। और यहाँ किसी को भी गोबर पकड़ने से ये नहीं हो रहा है, लोग बोलते हैं ना कि गोबर से बदबू आती है, ऐसा ये सब बातें लोग करते हैं, तो यहाँ खुशी खुशी से ये इंजीनियर बहने भी गोबर का काम कर रहे हैं।